हेलो 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 स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके कुछ विशेष कोणों के लिए जो अनुपात होता है वो हमें समझने होंगे और याद रखने होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं कि त्रिकोण मितीय अनुपात। ठीक है ठीक है, कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोण मितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल। चलिए सबसे पहले हम लोग थीटा इज इक्वल 90 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हो गया हमारा P, ये Q और ये हो गया R। तो यहाँ पर जो ये थीटा है इसके वैल्यू को हम लोग 90 की तरफ बढ़ाएंगे। ये थीटा 90 कब होगा? पहली चीज तो ये 90 होगा नहीं, क्योंकि दोनों 90 अगर हो जाएंगे तो समकोण त्रिभुज में अगर दो 90 हो गया फिर तो प्रॉब्लम होगा, तीसरा को जीरो जीरो होना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट की तरह है जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैं छोटा डायग्राम ले दूँ आपको समझाने के लिए कुछ इसी तरह का। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, और इसमें जो ये थीटा है इसके वैल्यू को मुझे बढ़ाना है। तो मैं क्या करता हूँ जरा आप गौर कीजिएगा, ये जो है ये देखिए, अब ये जो एंगल है थीटा डैश वो थीटा से ज़्यादा होगा, थीटा डैश जो होगा वो थीटा से क्या होगा, ज़्यादा। अच्छा, इसको मैं और ऐसे ले लेता हूँ, अब देखिए इस थीटा का मान और बढ़ गया। इसी तरीके से आप क्या करिए, इसे और ज़्यादा बड़ा कीजिए। तो यहाँ से चलिए मैं रेड कर देता हूँ, एक्चुअली ये स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे ले लीजिए। ध्यान से देखिए कि ये जो थीटा है ये अपने आप में क्या होगा, ये और बढ़ गया ये वैल्यू। तो कहीं ना कहीं इधर 90 है और इधर भी क्या है, ये 90 की तरफ जा रहा है, और ये वाला जो एंगल है जो पहले इतना बड़ा था वो फिर इतना छोटा हो गया, फिर ये और छोटा हो गया, फिर ये और छोटा हो गया। तो एंगल डिक्रीज करते जा रहा है, कोण का मान घटते जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक एंगल घटते जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, और दूसरा किधर जा रहा है, 90 की तरफ। तो कहने का अर्थ ये है कि जब थीटा 90 की तरफ जाएगा, जब ये वाला जो थीटा 90 की तरफ जाएगा, इसका मान बढ़ा के हम 90 डिग्री की तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जब ये थीटा 90 की तरफ जा रहा है तो जो परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाला और जो हाइपोटेनस है इनके लेंथ अप्रोक्स इक्वल होते जाएंगे, और जो बेस होगा जिस पर थीटा और 90 दोनों हैं इसका वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, ये किधर जा रहा है, जीरो की तरफ। तो जैसे जैसे थीटा की 90 की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेस देखिए घटता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब थीटा 90 पे चला जाएगा, जब थीटा 90 पे चला जाएगा तो ये जो बेस है ये किधर जाएगा, जीरो की तरफ, और जो एच है हाइपोटेनस और ये जो परपेंडिकुलर है ये किधर होने लगे, ये क्या होने लगेंगे, इक्वल होने लगेंगे, बराबर होने लगेंगे। तो जब आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो अब तक हम कहते थे पी बाई एच, लेकिन यदि इस थीटा का वैल्यू 90 हो जाए तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो बराबर हो जाते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो जाते हैं, उनकी लेंथ बराबर हो जाती है, तो पी बाई पी करके आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितना आ गया, वन। तो यहां पे जब थीटा 90 डिग्री हो तो साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया, वन।
ये हुआ कि 90 डिग्री के लिए साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1, ये फिक्स हो गया। इसी तरीके से आप कॉस 90 डिग्री निकालिए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या था, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, बी बाई एच। तो बेस कितना है, जब थीटा 90 की तरफ जाएगा तो बेस तो जीरो हो रहा था, और हाइपोटेनस जो भी हो जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ठीक इसी तरीके से आप बताइए टेन 90 क्या होगा, तो टेन होता है पी बाई बी, क्या होता है पी बाई बी। तो परपेंडिकुलर तो कुछ होता है, लेकिन जब थीटा 90 की तरफ जाता है तो बेस जीरो की तरफ चला जाता है, और जब हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर, तो जब हर जीरो की तरफ जाने लगे या जीरो हो गया हो, तो उस सिचुएशन में ये अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है अगर ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड। वैसे ही आपसे पूछा जाए कि कॉसेक 90 बताइए, तो कॉसेक 90 क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला था एच बाई पी, जब थीटा 90 होता है तो एच और पी बराबर होते हैं, तो यहाँ एच बाई एच कर सकते हैं या एच बाई पी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हो जाते हैं, और फिर से कितना आ जाएगा 1, तो कॉसेक 90 कितना आ गया 1। ठीक इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि सेक 90 निकाल सकते हैं, सेक 90 क्या होता है एच बाई बी, तो एच बाई बी अगर देखो तो एच का वैल्यू तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे बेस जीरो की तरफ, जब थीटा 90 होगा तो उसके लिए बेस जो है वो किधर जाने लगता है, जीरो की तरफ, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। जब भी ध्यान रखिएगा, जब हर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, जीरो की तरफ जाने लगे, तो वो वैल्यू अनडिफाइंड की तरफ जाने लगता है। और एक बच गया कौन सा, कॉट 90, तो कॉट 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब बताइए कॉट 90 का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये होता है बी बाई पी, तो बी बेस जीरो और परपेंडिकुलर कुछ तो वैल्यू था, ये जीरो नहीं हो रहा था, तो जीरो अपॉन क्या, ये तो जीरो रहे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बड़े आसान भाषा में कि जब थीटा 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, 90 की तरफ जाता है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, टैन 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, कॉसेक 90 का वैल्यू होता है 1, सेक 90 का होता है 0, और कॉस 90 का नहीं, सेक 90 का 0 नहीं होगा, सेक 90 का अपरिभाषित निकाला है हमने अभी, ऊपर सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉट 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये क्या था 0। तो ये हो गया 90 डिग्री, जब थीटा 90 हो जाए, जब थीटा कितना हो जाए, जब थीटा हमारे लिए 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय जो है साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 90 0, टेन 90 अपरिभाषित, कॉसेक 90 जो है वो हो जाएगा कितना 1, और सेक 90 अपरिभाषित, और कॉट 90 0। तो आपको याद रखने, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये फिक्स हो गया, इसको आपको याद रखना, ठीक है।